लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। स्पोर्ट्स डेस्क। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को भ्रष्टाचार निरोधक जांच पूरी होने तक उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। पीसीबी ने अकमल को गुरुवार को निलंबित किया था और अब खुलासा हुआ है कि अकमल बुकी से मिला था और इस बारे में पीसीबी को कोई जानकारी नहीं दी गई। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व युवा खिलाड़ी के खिलाफ पीसीबी को भ्रष्टाचार विरोधी सबूत मिले हैं, जिसके बाद खिलाड़ी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह बुकी से मिला था। गुरुवार रात बोर्ड ने एक कॉल इंटरसेप्ट किया था, जिससे ये बात सामने आई कि उमर अकमल बुकी के पास गया था। वरिष्ठ खेल पत्रकार अब्दुल मजीद भट्टी ने कहा कि क्रिकेटिंग बॉडी के पास अकमल और बुकी के बीच इंटरसेप्टेड फोन कॉल का रिकॉर्ड था। भट्टी के अनुसार पीसीबी की भ्रष्टाचार रोधी सेल पिछले चार दिनों से उमर अकमल और बुकी के बीच संदिग्ध कायल की निगरानी कर रही थी, जिसके बाद यह मामला बुधवार को अध्यक्ष एहसान मणि के सामने रखा गया। जब इस बारे में अध्यक्ष मणि को जानकारी दी गई तो उनके अलावा पीसीबी के मुख्य कार्यकारी वसीम खान, हेड कोच मोइन खान और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर भी बैठक में मौजूद थे। गौर हो कि ये पहला मामला नहीं है कि उमर अकमल विवादों में फंसे हैं। कुछ दिन पहले अकमल फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद अपनी शर्ट उतारकर ध्यान कहां है कहते हुए नजर आए थे। इस बीच क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने अनवर अली को अकमल के प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया है।